कॉलेज तो सब ठीक है, पर एक दोस्त मिल जाता ना तो बहुत अच्छा होता। मुझे तो किसी से दोस्ती भी करनी नहीं आती। सारा जग घूमे आवे, सारे रास्ते ढूंढे आवे। शायद न्यू स्टूडेंट है, जाके बात करती हूँ। भूले आवे, जिस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं। हाय, क्या तुम न्यू स्टूडेंट हो? हाँ, कल ही कॉलेज ज्वाइन किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राखी। तुम अकेले क्यों बैठे हो? तुमने अभी तक दोस्त नहीं बनाया कोई? नहीं, अभी तक मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना नहीं आता ना। मुझे बात करना बहुत अच्छे से आता है और दोस्ती बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ। तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स। हाँ हाँ, फ्रेंड्स। ये सिमी किससे बात कर रही है? ये इसकी आदत ही मुझे अच्छी नहीं लगती, किसी को भी दोस्त बना लेती है। सिमी, ये तो किससे बात कर रही है? मिमी, इससे मिल, ये न्यू स्टूडेंट है, इसका नाम है राखी। और तूने दोस्ती भी कर ली? हाँ, तुझे तो पता है ना मुझे दोस्त बनाना कितना अच्छा लगता है। वैसे तेरा नाम क्या है? मेरा नाम राखी है। मैं सिमी नहीं मिमी हूँ। मैं ऐसे वैसों के साथ दोस्ती नहीं करती। पहले तुम ये बताओ तुम्हारे पापा करते क्या है? मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड है। क्या? तुम एक गार्ड की बेटी? सिमी, तो इससे दोस्ती कर रही है जो कि गार्ड की बेटी है? मिमी, क्या बोल रही है तू? थोड़ा सोच के बोला कर, क्या बोल रही है? गार्ड की बेटी है तो क्या हुआ, दोस्ती नहीं कर सकते? सिमी, छोड़ देना। क्या तू चुप कर, ये हमारा मैटर है। सिमी, तू इससे दोस्ती नहीं कर सकती। तू मेरी दोस्त है, मैं ऐसे वैसे के साथ तुझे दोस्ती नहीं करने दूंगी। तू चल मेरे साथ। मिमिता, ये क्या तमाशा है? तूने सुना नहीं क्या? वो एक गार्ड की बेटी है, उस लड़की से ना मैं दोस्ती रखूंगी ना तुझे रखने दूंगी। चल चुपचाप। ना मेरी वजह से दोनों झगड़ रहे थे, शायद वो लड़की सिमी की दोस्त हो गई। सारे रास्ते ढूंढे मैं, अपने घर का पता जाने क्यों भूले मैं, जिस मोड़ से मुड़ गया मैं, औरों से क्यों जुड़ गया मैं, अपनों से ही खता जाने क्यों कर गया मैं। माफ मिल जाए मुझे। राखी, कल मेरे दोस्त के बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? वो तुम्हारी दोस्त है? हाँ, उसका नाम मिमिता है और उसमें बहुत एटीट्यूड है, क्योंकि वो पैसों वाली है ना, इसीलिए। वो तो मैं भी पैसों वाली, लेकिन मुझ में कोई एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि वो मिमिता है और मैं सिमी हूँ। तू बहुत स्वीट है सिमी। हाँ, वो तो मैं हूँ। चलो, इसी बात पर मैं तुम्हें कॉफ़ी पिलाती हूँ। हाँ, चलो चलो। कैसी लगी कॉफी? बहुत मस्त है। आज तूने पिलाई, कल मेरी बारी है। जैसी तुम्हारी मर्जी। सच में बहुत मस्त कॉफी है ना? हाँ। ये सिमी के बच्चे है कहाँ? अच्छा, तो ये लड़की सिमी से इसीलिए दोस्ती रखी है क्योंकि सिमी पैसे वाली है। ये गरीब लोग कैसे ही होता है, इसके अकल में अब भी ठिकाने लगाती हूँ। मिमिता, ये क्या बदतमीजी है? मिमिता, तूने राखी पे हाथ क्यों उठाया? सिमी, तुझे नहीं पता इस गरीब लोगों की चाल। ये तुझे अपने दोस्ती के जाल में फंसा रही है, क्योंकि तू अमीर है इसीलिए। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं सिमी को दोस्ती के जाल में क्यों फंसाऊंगी? अब तो तू यही बोलेगी, अब तो तू यही बोलेगी ना, क्योंकि तेरी सच्चाई मेरे सामने जा गई। सिमी, ये तुझे फंसा रही है और तू बेवकूफ इसके जाल में फंस रही है। मिमिता, तू मुझे मत बता कौन कैसा है, चुपचाप राखी को सॉरी बोल। सॉरी? और मैं इस गरीब को सॉरी बोले? मेरी जुत्ती। मैंने कहा मिमिता तू सॉरी बोल। सॉरी मैं नहीं बोलूंगी। सिमी, तू भूल मत, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तू डिसाइड कर ले, तू मेरे साथ रहेगी या इस गरीब के साथ। ठीक है, तू रह इस गरीब के साथ, मैं जा रही हूँ। शायद मिमिता को बुरा लग गया। राखी तू रुक, मैं अभी आ रही हूँ। मिमी रुकना, मिमी मिमी रुकना। क्या हुआ? तू जा उस गरीब के साथ। तुम मेरी बेसमेंट को उस गरीब की इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, मैं आपसे उससे बात नहीं करूंगी। पक्का? पक्का। राखी तुम बुरा मत मानना, आज से मैं तुझसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मिमिता मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुझसे बात करती हूँ। ठीक है सिमी, आज से हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि मेरे वजह से दो दोस्तों में लड़ाई हो। मिमिता तुम कुछ मत बोलना, मैं मिमिता से बात कर लूँगी। तुझे समझ में नहीं आता मेरे दोस्त से दूर रह। मिमिता छोड़, मिमिता राखी की कोई गलती नहीं है, मैं ही आई थी उससे बात करने। मिमिता छोड़, मिमिता छोड़, राखी की कोई गलती नहीं है। साली, मुझसे मेरी बेसन छीनेगी तो तुझे तो मैं मार ही डालूंगी। तुझे समझ में नहीं आती? राखी से बात करने मैं ही आई थी, ये बोलने आई थी कि राखी से आपसे मैं बात नहीं करने वाली। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि मुझे किससे दोस्ती रखनी चाहिए और किससे नहीं। राखी तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? सिमी तू कहना क्या चाहती है? सब बोल। यही कि आज से मैं राखी के साथ रहूंगी, तुझसे कोई लेना देना नहीं है। सिमी ये तू क्या बोल रही है? मिमिता तेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेस्ट फ्रेंड जो किसी की जान लेने की कोशिश करे। ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए तेरी जैसी दोस्ती। रह तू इस गरीब के साथ। सिमी मिमिता जा रही है, रोक उसे। जाने दे उसे, मैंने जो किया सही किया। तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? तू ठीक तो है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। सॉरी मेरी वजह से इतनी तकलीफ हुई तुझे। सॉरी मत बोल तू। तुझे क्या लगा मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी? रह तू उस गरीब के साथ, मुझे भी नहीं चाहिए तेरी जैसी दोस्ती। मैंने झगड़ा कर लिया, अब मेरा नोट्स कौन करके देगा? सिमी आज तो मुझे नोट्स सबमिट करना है। तूने मेरे लिए नोट्स बनाया ना? हाँ ये ले। थैंक यू सो मच सिमी, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। नहीं नहीं, मुझे सिमी से माफी मांगनी होगी। नहीं अभी तो गरीब है, कल मांग लूंगी। सिमी रुकना, गुस्सा किया तुम मुझसे? बोल क्या हुआ? सॉरी सिमी, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुझे तो पता ही है ना मैं तुझको लेकर कितनी पॉजिटिव हूँ। ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगी अगर तू राखी को सॉरी बोली तो। ठीक है सिमी, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सॉरी राखी। इट्स ओके मिमी, मैंने तुम्हें माफ किया। चलो अब क्लास भी जाना है हमें। हाँ चलो। क्या देख रही है तू? ओह अच्छा, तो ईद का चांद कॉलेज है। ये ईद का चांद, इसका नाम मंदिरा है। ये महीने में एक बार कॉलेज जाती है, इसमें एटीट्यूड बहुत है। राखी, मिमिता अगर शेर है तो मंदिरा सवा शेर है। हाँ, बात तो चलो ना यही बैठते हैं। नहीं यहाँ बैठने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी तेरी और मिमिता को तो बनती नहीं। चलो मुझसे बैठ। नहीं, मैं यही बैठूंगी, मुझे और कोई जगह नहीं बैठना। उस सेट पे तो बैठ सकते हैं। यही बैठूंगी बोला ना। इसने मिमिता कुछ बोला ना, मेरा नाम लिया ना। हाँ शायद इसकी तो मैं। चल बैठ तू भी। वैसे राहुल, आज मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ ना। हाँ तू तो सबसे सुंदर है। बड़ी ही सुंदर। मैं सुंदर लग रही हूँ ना। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। वैसे भी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की मैं ही हूँ। हाँ तू ही है सबसे सुंदर। सुंदर तो नहीं लेकिन बंदरिया जरूर लग रही है। इन लोगों का झगड़ा हो गया तो कोई तो। तूने मुझे कुछ बोला ना, तुझे लगा मैंने तुझे कुछ बोला, पर मुझे तो नहीं लगा मैंने कुछ बोला। क्या झूठ मत बोल, मैंने सुना कि तूने मेरे बारे में कुछ बोला। हाँ मैंने बंदरिया बोला। तू बंदरिया है क्या? क्या कहा तूने? क्या कर लेगी? तू मेरे उठ जा। चल मिमी यहाँ से चल, चल जल्दी चल। हाँ हाँ भाग ले कुत्ते की तरह दुम दबा के। ये इसने क्या कर दिया? इसको पता नहीं कि मंदिरा कौन है। वही तो। तूने मुझ पे हाथ उठाया? तू जानती है ना मैं कौन हूँ? 2 मिनट लगे तुझे इस कॉलेज से बाहर फेंकने में। राहुल भैया को फोन लगा। अब देख तेरा क्या होता है। भैया कहाँ पर हो? जल्दी से कॉलेज आ जाइए, मंदिर को एक लड़की ने थप्पड़ मारा है। ठीक है जो करना है कर। कॉलेज से फिकवाना चाहती है ना, फिकवा। मैं भी देखती हूँ कैसे फिकवाता है। राखी चल। राखी पागल हो चुकी है क्या? इस मंदिरा को तू नहीं जानती, ये बहुत अमीर है और इसका भैया हर साल कॉलेज में सबसे ज्यादा डोनेट करते हैं। हाँ 2 मिनट में तुझे फिकवा देंगे। भैया को फोन किया ना तूने? भैया आता ही होगा। इस लड़की को तो मैं कॉलेज से फिकवा के रहूंगी। छोड़ दे, जो होगा देखा जाएगा। तब तो तू कॉलेज से गई। किसने उठाया मंदिरा का? मंदिरा का भैया तो आ गया। वही तो। राखी अरे मैडम आप। दीपक, मंदिरा तुम्हारी बहन है ना? जी मैडम। उसे थोड़ा तमीज सिखाओ। मंदिरा इधर आओ। जी मैडम, मंदिरा मेरी बहन है। मैडम मंदिरा ने कुछ किया है क्या? हाँ मंदिरा ने। सारा जग घूमे मैं, सारे रास्ते ढूंढे मैं, अपने घर का पता जान के भूले मैं, जिस मोड़ से। मंदिरा सॉरी बोलो इनको। पर भैया ये है कौन? तुम जानना चाहती हो ये कौन है तो सुनो। माफ मिल जाए मुझे, आंसू थम जाए, बात ये सुन ले वो खुदा कि आज कोई दुआ करो मेरे लिए, कि आज कोई दुआ करो। मैम हाँ कुछ पेपर से इसमें आपको साइन चाहिए। ठीक है आओ बैठो। दो कहाँ साइन करना? बस कुछ पेपर। क्या हो गया मैम, आज आप इतनी उदास क्यों लग रहे हो? हाँ कुछ बात है जो दिमाग में चल रही है। बैठो ना। जी वो मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी कंपनी तो मैंने खड़ी कर दी, पर मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी रख ली। अभी तक मैंने ग्रेजुएशन किया ही नहीं है। जी मैम, वो तो पता है आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट क्यों नहीं की। हाँ, पापा के गुजर जाने के बाद अचानक मुझे ये कंपनी संभालनी पड़ी, इसी कारण मेरा पढ़ाई छूट गया। पर मैम आप तो अभी भी अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, मैं यही सोच रही थी, पर अगर मैं कॉलेज चली जाऊंगी तो मेरा ये कंपनी संभालेगा कौन तक तक। आप टेंशन क्यों ले रहे हो, हम है ना मैम, हम संभाल लेंगे आपकी कंपनी, आप बस क्वेश्चन कंप्लीट करो अपना। थैंक यू सो मच दीपक, थैंक यू सो मच। पर मैं ये सोच रही थी कि मैं किस कॉलेज में एडमिशन करूँ। तो आप मैम टेंशन क्यों ले रहे हो, जिस कॉलेज में मेरी बहन पढ़ती है मैं उसी पर आपका एडमिशन करवा देता हूँ आज। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलता हूँ मैम। अब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। मतलब तुम गरीब नहीं हो? नहीं, हमारी मैम यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने आई थी और हमारी मैम चाहती थी कि वो यहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करे। मंदिरा, सॉरी बोलो मैम को। आई एम सो सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, मिमिता को बोलो, तुमने मिमिता के साथ बहुत बदतमीजी की है। आई एम सॉरी मिमिता। सॉरी मत बोल मंदिरा, मंदिरा से ज़्यादा तो मैंने आपसे बदतमीजी की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मिमिता सॉरी मत बोल, क्योंकि मैंने तुझे उसी दिन माफ़ कर दिया था। और मंदिरा, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी गलती के एहसास हुआ। दीपक, मंदिरा को रोज कॉलेज भेजो। जी मैडम। सिमी, दोस्त को छोड़ के कहाँ जा रही है?